हमारी जो लोकहित पशुपालन संस्था है जो कि 1999 में रजिस्टर्ड हुई है सर, और ये संस्था खासकर पशुपालकों पे काम कर रही है, जैसे जिसमें ऊँट है, भेड़ बकरी है, खासकर ये ऊँटों पे जो है रायका जाती है, जो ऊँट पालती है, भेड़ बकरी पालती है, उनके ऊपर ये काम कर रही है, उनके अवेयरनेस के लिए, उनके राइट्स के लिए, जो स्थिति है उनका, जो मेडिसिन जो है ट्रीटमेंट के लिए, किस तरह से हम लोग क्या पशुपालन को और बढ़ावा दे सके उसके क्षेत्र में काम कर रही है। ऊँट की स्थिति जो बहुत ही खराब दयनीय है सर, इसका दूध नहीं बिकता है, इसके जो पशु ऊँट जो इनको पाल रहे हैं उनको किसी तरह की कोई इनकम नहीं है सर, तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए लोकहित पशुपालन संस्था के अंदर एक छोटा सा कंपनी है कैमल करिश्मा सर, जो कि कैमल करिश्मा इस तरह के उत्पादन हम लोग उनसे रॉ मटेरियल खरीदते हैं, जैसे कि कैमल वुल हुए, कैमल मिल्क है सर, कैमल डंग है, जैसे हम लोग अभी हिंदुस्तान का पहला कैमल मिल्क डेयरी खोला हमने सर, ठीक है नहीं, तो हम लोग रोज़ 60 रुपये लीटर प्रति लीटर से हम दूध खरीदते हैं, और पूरे भारत में आज सर जैसे दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, चेन्नई सब जगह जा रहा है, खासकर डायबिटीज के और जो मंदबुद्धि के बच्चे हैं सर, और कैंसर के लिए, पीलिया के लिए, टीबी के लिए है सर, उनमें खासकर बहुत अच्छा है, क्योंकि ऊँट 36 तरह की झाड़ी खाता है सर, उसमें जो 36 जैसे नीम है, खेड़ी है, बबूल है, उस पेड़ पौधों की वजह से दूध में गुणवत्ता आती है सर, और पेड़ ऊँट एक जगह पर नहीं चढ़ता, वो 3 महीने तो जो फॉरेस्ट है, जंगलात है, उसमें चरेगा सर, और जैसे बरसात बंद हुई वो वापस गांव में आ जाएगा सर, गांव में फिर वो एक गांव से दूसरे गांव में, एक पेड़ पे दो पत्ती खाएगा, फिर दूसरे पेड़ पे जाएगा, फिर दूसरे पेड़ पे दो चार पत्ती खाएगा, फिर तीसरे पेड़ पे, वो ऐसे घूमता रहेगा पूरे दिन, ठीक है सर, उसी कारण दूध में गुणवत्ता बनती आई है, तो उससे जैसे दूध का, और फिर हम लोग कैमल डंग पेपर, उसके गोबर से पेपर बनाते सर, पेपर में हम लोग कार्ड भी बना रहे, उसका बही खाता भी बना रहे, नोट पैड भी बना रहे, और इस पेपर में 60% कैमल जिसका उठने का मिंगड़ा होता है सर, और 40% वेस्ट कॉटन बनियान का जो कपड़ा होता है वो मिला के पेपर बनता है, अखबार जितना उससे बड़ी चीज होती है, फिर हम लोग इसको कटिंग करते हैं जैसे कार्ड के हिसाब से, डायरी हिसाब से, जिस हिसाब से मैं पेपर काटता हूँ उस हिसाब से काट के बनाते हैं। दूसरा हो गया वूल, वूल ऊँट का जो हमारे हुआ जो डोमिडोबिर कैमल है सर, जो कि एक हम क्या ऊँट है, उसका जो बाल है वो छोटा हो, वूल छोटी होती है, और साल में एक बार काटते हैं होली के आसपास, मार्च अप्रैल के पास में, तो पर एक ऊँट पे कुछ 500 ग्राम के आसपास होता है सर, तो और हमारे यहाँ पे 7-8 नेचुरल कलर होते हैं, काला है, भूरा है, जितने भी हम लोग 60 रुपये किलो से खरीदते हैं, और ये लोग क्या करते हैं कि सर ये कलर सब मिक्स करते हैं, काला भूरा सब मिक्स, अगर को तो हम लोग 60 रुपये किलो खरीदते हैं, अगर को ऊँट पालक है कलर सेपरेट लाता है तो हम लोग उनको 70 रुपये देंगे सर, 10 रुपये उनको ज़्यादा देंगे, और छोटे बच्चों का वूल जो है, इसमें जो वूल देख रहे हैं आप, सॉल देख रहे हैं, इसमें छोटे बच्चों का वूल यूज हुआ है, बड़ी सॉफ्ट है, लवली सॉल, और जो कार्ड पेस्ट बनाते हैं उसमें बड़े ऊँट का वूल यूज होता है सर, ठीक है नहीं, तो इस तरह से हम आइटम बना रहे हैं, ये देखिए सर, ये ऊँट के मिंगड़े से बनाया हुआ पेपर है, उसका डायरी बनाया हम लोगों ने सर, ये देखिए इस तरह से, और दूसरा हम लोग कैमल मिल्क से साबुन भी बनाते हैं सर, जो कि बहुत ही अच्छा है सर, स्किन प्रॉब्लम के लिए आप उसे क्रीम की तरह यूज़ कर सकते हैं, आप नया फेस वॉश कर सकते हो, हेयर वॉश कर सकते हो, और दूसरा हम लोग, तिसरा हम लोग चीज़ भी बनाते हैं, कैमल मिल्क चीज़, जिसमें दो फ्लेवर है, जैसे ब्लैक पेपर का है और दूसरा ग्रीन चिली का है, और इसका घी भी बनाया हमने फर्स्ट टाइम यहाँ सर, तो इस तरह के उत्पाद हम लोग ये चाहते हैं कि भाई किसी तरह से ऊँट को बचाया जाए, अगर वो इनकम नहीं होगी उनके किसी तरह के इनकम, दूध नहीं बिकता है, अगर कोई डेयरी वाला दूध, बहुत से गवर्नमेंट डेयरी है वहाँ दूध लेते ही नहीं है सर, अगर दूध लेते हैं तो 20-22 रुपया देते हैं, क्योंकि जो कैमल मिल्क लो फैट होता है, प्रोटीन तो हाई होते हैं लेकिन जो इसमें लो फैट लो होता है, 2.5 और 3.5 होता है, इससे ज़्यादा फैट नहीं आता है, और कभी कभी सिंधे मल में जैसे थोड़ा 4 हो जाता है, और गाय भैंस का होता है 8, 9, 10, तो उनको पैसा अच्छा मिलता है, इनको 22-20 होता है, और ज़्यादातर डेयरी वाले लेते ही नहीं है, ठीक, तो हमने इसलिए कभी किसी तरह से इनको इनकम हो, इनकम होगी तो पशु होगा, और दूसरा ये है कि जैसे कि राज्य पशु है, तो राज्य पशु होने के बाद इसमें किसी तरह का कोई हेल्प नहीं है, और सबसे बड़ी समस्या है ग्रेजिंग प्रॉब्लम सर, कि भाई इनको चराए का आज जमीन के भाव है, आसमान छू रहे, हर जगह फेंसिंग हो गई, जो जंगल थे उनको सरकार ने नेशनल पार्क घोषित कर दिया, नेशनल पार्क तो उनमें कोई अलाउ नहीं होता है सर, ठीक है, तो अब चराए का है, और दूसरी ये है कि जो युवा पीढ़ी है सर वो इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है इस जॉब में, क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट होता है, सुबह निकलो शाम को आओ दिन भर पीछे पीछे घूमो,
ऊंट है जिसे हम रेगिस्तान का जहाज कहते हैं सर, इसका बहुत ही उपयोग होता है, पहले बहुत होता था, जैसे ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में है और भी खेती में है यूज होता था। आज भी कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे आवागमन के क्षेत्र सुविधा नहीं है, वहाँ पे ये ऊँटों का काम होता है सर। और हमारा जो संस्कृति का एक अटूट भाग है सर, ऊँट एक हमारे भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। और ये कहते हैं कि जैसे इसका जो दूध होता है वाइट गोल्ड ऑफ डेजर्ट, दूध बहुत ही अच्छा, लेकिन अब समस्या ये हो रही है कि भाई इसकी संख्या दिनों दिन घट रही है, बढ़ नहीं रही है, स्टेट एनिमल बना दिया, लेकिन अब ये नहीं पता भाई ये चलेगा कहाँ, कैसे पालने वालों क्या मिलेगा, कैसे होगा, तो इसको बचाना हमारा बहुत ही अभी न हो जाता है कि भाई इसको कैसे करके भैया बचाया जाए।